ये देख, ये छोटा छोटा पीक कर रहा है, क्लिक मार मार के देख रहा है कौन स्क्वाड का उधर से। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी खोज कोई टोली, तू ही टोली। वेल, एक बात तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि S12 के से अच्छी पंप है भाई। पंप पंप का रेट ऑफ फायर ज्यादा है ना, तुम जितनी जल्दी टैप करोगे वो उतनी जल्दी फायर कर देगी ना भाई। मेरे को डबल बैरल पसंद है, इसमें कोई शक नहीं, पंप सबसे डट्टी, S12 के से भी डट्टी है। अबे मेरे तीन किल हैं और तीनों उसी गन से आए हैं भाई, मैं इस टाइम बुराई नहीं सुन सकता उसकी, चुप रहे एकदम। किसको स्लैप मारा तुमने, किसको स्लैप मारा पहले ये बता। नहीं ओ भाई, कहाँ पे लो तुमने हेडशॉट वा, अबे तूने कौन सा स्कोप लगाया था पहले ये बता। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार ये वाले मैच में मेरे ही फ्रेंड के साथ मेरी मैच मेकिंग हो जाती है, जो कि चिकन मास्टर कंप्लीट करने के लिए आया होता है इस वाले मैच में, और मुझे उसका नाम जो है प्लेन आरपी में पता चल जाता है। तो अब देखना ही होगा कि खून किसके हाथों मरेगा, मतलब मैं गलती से कहीं उसे मार ना दूँ। खैर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं हम कि नहीं। एंड यहाँ पर फिलहाल जॉर्जो पूल उतरे हैं और चारों तरफ बंदे, मतलब जिस कंटेनर पर मुझे उतरना था वहाँ भी बंदा, सामने भी बंदा, मेरे लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ बंदा। मतलब ऐसा होता है कभी कभी जोर से बोल में यार, मतलब नो ऑप्शन, लेकिन फिर भी कैसे सर्वाइव करते हैं अब देखो आप। यहाँ सामने बंदा कूद रहा था और भाई साहब ये S12 के मिल जाती है मेरे को। अब मुझे एक तरफ तो खाली करनी थी, तो मैं सोच लेता हूँ कि इसी को मारना पड़ेगा यार, जो भी हो मारना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भाई साहब दिखता है जो कि मेरी तरह ही नंगा दौड़ रहा था और एक शॉट मार के इसको सुला देते हैं। खैर अब बारी थी यार इधर वाले बंदे की, तो उसके बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि वो भी पागलों की तरह उछल रहा था। और अब मारते हैं उसको भी, तो वो कंटेनर से नीचे उतर चुका है तो शायद वो अब मारा जाए। तो ये भाई साहब भी बचने की पूरी कोशिश करते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि स्पॉन रेट ही गन्स की कम हुई है क्योंकि ये पूरे कंटेनर में भाग रहा था, इसको तब भी कोई गन नहीं मिली। खैर अब बाकी को सुला देते हैं। यहाँ पे जो है इस तरफ भी एक बंदा दिखा था मुझे, जिसने कि दूसरे बंदे को मारा है और वो जो है उस हट के अंदर लेटा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास नेट है तो नेट फेंकता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच जाता है। अब देखो उसको जाके मारना पड़ेगा, तो देखो अब कैसे मारते हैं उसको। ये बंदा जो है बहुत सारी शॉट गन्स को सर्वाइव कर गया था, मतलब पहले भी इसको सर पे पड़ी थी और बाद में भी इसको एक बॉडी तो पड़ी थी। खैर इसके पास से हमको मिल जाती है M4। अब देखो यार ये सीन देखो आप, मतलब इस सीन के लिए लाइक छोड़ो सब्सक्राइब बनता है यार, नहीं मतलब मजाक नहीं कर रहा यार, कर ही दो, मतलब बटन ही तो दबाना है। कर जिसको सही समझ ना आया हो इसे दोबारा रिपीट करके देख लो, मतलब ये बंदा टीवी भी लेके बैठा हुआ था और सडनली मेरे सर पे कूदा, मतलब क्या मारा मैंने इसको। पहले यहाँ पर मैं वेट कर रहा होता हूँ, ये बंदा आता है और इसको मैं मारने की तो ट्राई करता हूँ लेकिन बच जाता है। अब देखो उसको कैसे पेलते हैं। अब यार आपने नोट किया होगा जब मैं इसको मार रहा था पीछे से मेरे को बहुत गंदी पड़ी, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती अटैक कर दिया इस पर। और उसके बाद ये भाई साहब मेरे को दिखते थे, इनको पहले किल दे दिए। ये तो था बॉट, लेकिन एक रियल बंदा भी था जिसने मुझे पीछे से मारा था। तो अब बारी थी उस बंदे की और उसकी हिम्मत देखो, ओपन में पुश कर रहा था मेरे पे। मतलब यार जॉर्जो पूल में अगर आप पुश कर रहे हो तो बिना गाड़ी के तो करो ही नहीं, क्योंकि इतना ओपन है आराम से कोई भी स्पोर्ट कर लेगा घास में भागते हुए आपको। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए जो कि उसने कर दी थी, उसने सोचा शायद दोनों लड़ रहे हैं तो फ़ायदा उठा लेते हैं। खैर अब उसके बाद एक मेन मुसीबत की बात करें तो जॉर्जो पूल आने वालों को सबसे मेन मुसीबत यही लगती है कि भाई देखो गाड़ी नहीं मिलती, और गाड़ी लेने के लिए अगर आप इतनी दूर जाओ और समझ लो कि कोई कैम्प करके बैठा है तो आपका तो पूरा गेम ही ख़राब हो गया वहाँ पर। तो इसके खिलाफ आपको पबजी मोबाइल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एक गैराज बनवाना चाहिए वहाँ पे। खैर ये बंदा जो है मेरे को सपोर्ट होता है तो इसको मैं उतर के मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाग जाता है, लेकिन ज़्यादा भागेगा नहीं क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था और इसकी गाड़ी ठुक जाती है आगे, तो ये जानबूझ के भी रुक जाता है। तो जो भी हो ये रुक गया है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अब मार देते इसको, और ये टीपी भी ले रहा था इस ट्रक के पीछे, तो देखो कैसे पेलते इसको। मैं इसके पाँव पर डैमेज दे देता हूँ, मतलब अभी डैमेज होगा और वो भागता है और इसी चक्कर में पेला जाता है। तो इसलिए बेवजह की टीपीपी आपको नहीं लेनी चाहिए, जब मैं इतनी ओपन में आ रहा था तो ये मेरे पे अटैक कर सकता था। खैर उसके बाद आ जाते हैं हम रोजोक में, और जिस फ्रेंड की मैंने बात करी थी वो मिलते हैं मुझे यहाँ पे। अब वो मुझे पे अटैक कर देते हैं और मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरे ही फ्रेंड्स हैं, तो क्या करता हूँ मैं भी पूरी पूरी ट्राई करता हूँ उनको मारने की। और यहाँ पे मेरे पास M24 होती है तो इसलिए मुझे दूसरी बिल्डिंग में जाना होता है, लेकिन ये दोनों छत पे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक को मार देता हूँ फिर दूसरी बिल्डिंग में जाके दूसरे को मारूंगा।
अब यहाँ पे मैं जाने से पहले ड्रिंक लेता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो टिप्पी भी ले रहे थे, इसलिए मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये फिजूल बहुत देर हो जाती है यहाँ पे, नहीं मार पाता। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे फिर से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। अब मैंने सोच लिया था कि बहुत हुआ, अब मैं जाके सीधा जो है रश करूँगा छत पे, क्योंकि ऐसे अगर मैं भागता रहा तो बहुत देर हो जाएगी इसी जगह पे और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी फाइनल डिसीजन बनाया होता है कि हाँ, मेरे पास M24 भी है और दूसरी बिल्डिंग में मेरे को जाने नहीं देंगे, तो मुझे जो है रश ही करना पड़ेगा इन दोनों पे, और अगर रश कर दिया तो ओबियसली एक को तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसे मैं जाने लगता हूँ तो आवाज़ आती है, अब सुनो आप। अब लेजिट है क्या? हेलो, अरे भाई दुष्यंत तू अरे इसको वो करना था, चिकन मास्टर का क्रॉसबो रह रहा था तो क्रॉसबो लेके बैठा ये तो यार उसको करना था अपना चिकन मास्टर, जिसकी वजह से वो दोनों एक ही मैच में आ जाते हैं। और अब क्योंकि चिकन मास्टर तो ऐसे ही होता है विदाउट मतलब एक स्पेशल वेपन के साथ, मतलब क्रोजबो के साथ, तो वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। अब फिलहाल यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ कि मैं फिलहाल तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ हेल्प हो तो मैं करूँगा, मतलब आखिर में अगर मतलब मैं जितना जल्दी हो सके लॉबी को खाली करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, मैं भगा भगा के लोगों को पेलना स्टार्ट कर देता हूँ। ये बगी वाला भी मेरे को दिखता है, जिसको मैं बहुत दूर तक चेज़ करता हूँ, देखो कैसे पेलते हैं। इस बेचारे का लैग हो रहा था, ये तो दिखते ही समझ आ गया था, बहुत ख़राब हुआ इस बंदे के साथ। ये गाड़ी वाला दिखता है मेरे को, जिसको मारने में ट्राई करता हूँ लेकिन बच जाता है वो, तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी से उसको चेस करता हूँ, लेकिन वो निकल जाता है क्योंकि बहुत दूर ऑलरेडी चला गया होता है वो। तो उसके बाद इस वाले घर पर आता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सोचते ही मतलब आते ही एक नेट कुक कर लेता हूँ, और सोचता हूँ कि जब तक वो एस्पेक्ट नहीं करेगा हम नेट फेंक के मार देंगे, लेकिन वो होता तो यहीं पर लेकिन मरता नहीं है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट जो है उस पर पुश कर देता हूँ, और वो हील लगाने की ट्राई करता है, तो जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। अब देखो कैसे, तो रवि मिश्रा जी मार दिए गए बिना हील के कारण। तो अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, लेकिन जब मैं ऐसे निकलने लगता हूँ तो क्या होता है, एक गाड़ी वाला और आ जाता है यहाँ पे, उसको मारने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर मुझे जितनी जल्दी हो सके सर्वर पूरा खाली करना था, इसलिए मैं जो है यहाँ से फिर से इसी की गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। और ये तो अच्छा हुआ ये गाड़ी लेके आया, क्योंकि मेरी गाड़ी में फ्यूल कम था, तो फालतू में और दिक्कत होती फ्यूल ढूंढने में। अब पीछे से मुझे एक बाइक वाला आता हुआ दिखता है यहाँ पे, जो कि इस जगह पर रुकता है, तो अब जो है उसको भी मारने की ट्राई करते हैं। मैं नेट खींचता हूँ ताकि मैं पहली बार में उसको पूरा मार दूँ, लेकिन क्या होता है थोड़ा एंगल कट हो जाते हैं यहाँ से, तो नेट कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं कैंसिल करके पुश कर देता हूँ। अब देखो इस बंदे को मार दिया, वो भी बिना किसी डैमेज के, तो उसके बाद अब निकल लेते हैं यहाँ से। अब क्या होता है कि कम बंदे जो है बहुत कम बचे होते हैं। अब मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मारे गए हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है सोलो में वो मारे गए हो, या हो सकता है कुछ भी। तो उसके बाद आता हूँ मैं इस जगह पे यार, यहाँ पे क्या होता है पहले तो फाइट हो रही होती है, और जब मैं यहाँ पे चेक करने आता हूँ तो आगे जाके जो स्क्वाड हाउस से मैं गया था वहाँ पे ऑलरेडी दो दो गाड़ियाँ लगी होती है, मतलब इसी जगह पे फाइट हुई थी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो फुटस्टेप नहीं आते, मैं एक नेट रैंडम खींच के सीढ़ियों पर फेंक देता हूँ, ताकि अगर कोई हो भी तो वो एटलीस्ट फुटस्टेप करे। और फुट स्टेप होती भी है तो मैं समझ जाता हूँ हाँ बंदा तो अंदर ही है, अभी को नीट फेंकता हूँ क्या पता वो मर जाए। तो यहाँ से मैं खिड़की होती है, खिड़की के आगे घर होता है मतलब दरवाज़ा होता है, तो वहाँ पे नीट फेंकता हूँ लेकिन बच जाता है वो। अब देखो कैसे मारते हैं उसको। यहाँ पे मैं मिनी मैप को देख के समझ गया था कि वो बाहर की साइड बैठा होगा, और इसलिए जो है मैं बार बार मिनी मैप पे थोड़ा सा देख रहा था कि उसकी हरकत करे वो कोई। अब यहाँ से निकलने लगता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये लाल गाड़ी दिखती है, और पता था कि बंदा तो अंदर ही है। अब जो भी होगा जोन आ रहा था और उसको निकलना था, इसलिए मैं कैंप करके बैठ जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो बंदा जो है ऑलरेडी मैं नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ। देखो हेडशॉट, बूम, सीधा ख़त्म। तो वो बढ़िया लगा होगा, और ये हेडशॉट देख के तो मतलब कर ही दो, मतलब अभी नहीं किया तो भाई मतलब छोड़ दे, ये वीडियो छोड़ ही दो तुम, नहीं मैं जा रहा हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। खैर उसके बाद यहाँ पे एक बंदा मुझे उतरता हुआ दिखाई देता है, तो मैं जैसे वो मुझे दिखाई देता है मैं तुरंत गाड़ी घुमा लेता हूँ, और बाल बाल बचा मैं यहाँ पे, मतलब बहुत गंदा स्प्रे था उस बंदे का। उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरे दोस्त की गाड़ी दिखती है, मतलब ये स्किन उसी के पास थी, लेकिन यहाँ पे दो फुट स्टेप आते मैं समझ जाता हूँ कि हाँ यही दोनों है, और वो भी अटैक तो करता है लेकिन मैं गन पीछे रख के आता हूँ, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो यहाँ पे आके जल्दी से तो मैं हील वील कर लेता हूँ, क्योंकि वो भाई सहारा मिल गया यहाँ पे फिलहाल, तो सबसे पहले हील वील लगा लेते हैं। अब जिस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया था, मैं यहाँ पे मिशन बना लेता हूँ कि सबसे पहले उसी को जाके मार के आऊंगा मैं।
इस गाड़ी वाले को हेडशॉट लगे थे यार, मतलब बहुत लो हेल्थ होगी उसकी, लेकिन बच जाता है वो, मतलब बचता तो नहीं है, ये मार देते उसको। खैर अब उस तरफ से जो M4 की चलने की आवाज़ आ रही है वो वही बंदा था जिसने मुझे डैमेज किया। अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मुझे वो कहीं दिखाई नहीं देता, मैं समझता हूँ कि वो चला गया। फिर मैं थोड़ी सी और आगे जाता हूँ, इसके बाद मुझे लगता है कि हाँ वो चला गया, मैं भी जोन में जाता हूँ, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे गाड़ी की आवाज़ आती है और मैं समझ जाता हूँ, अब देखो क्या करता हूँ मैं उसके साथ। और फाइनली यार यही था वो बंदा, इससे मैंने अपना बदला लिया जो कि इसने मेरे को स्प्रे दिया था चलती गाड़ी से। इसके पास भी AWM थी, बहुत गंदा स्प्रे दे रहा था ये बंदा। खैर मेरे पास तो ग्रोजा थी इसलिए पील दिया। अब क्योंकि जोन में जाना था हम दोनों को, गाड़ियाँ कम थी, शायद उधर वाली गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पीछे से एक गाड़ी होती है, ये वाली नहीं, ये तो फूटी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बाय बोल के बोल देता हूँ कि हाँ मैं जा रहा हूँ अकेले, तो होगा तो मैं मदद करूँगा, मतलब उसमें चिकन मास्टर में, मतलब जितना हो सके, मतलब आगे जाके जो बंदे उनको क्लियर करूँगा। तो ये पैदल आते हैं और मैं आगे चला जाता हूँ बंदों को क्लियर करने के लिए। अब मैं इस घर में आ जाता हूँ तो मेरे पीछे से एक जानलेवा अटैक होता है और मैं समझ जाता हूँ कि पीछे बंदा है, तो मैं ये करता हूँ तुरंत उस पर पुश कर देता हूँ विदाउट एनी सेकेंड वेस्ट किए। लेकिन वो बंदा होता है ज़बरदस्त, वो भाग जाता है। इसको भी एक हेड लगता है लेकिन निकल जाता है वो। अब मुझे उसकी बगी की टायर पे मारना चाहिए था लेकिन बच जाता है वो। मैं क्या करता हूँ विदाउट एनी वेस्ट टाइम किए हुए मैं भी निकल लेता हूँ, क्योंकि जोन में तो मुझे भी जाना था। और सामने अब यहाँ पे मैं थोड़ी टाइम के लिए भूल गया था कि मेरे फ्रेंड्स भी इसी मैच में हैं, और मेरे दिमाग से सच्ची में निकल जाता है ये। तो मुझे सामने गाड़ी दिखाई देती है जो कि शायद उन्हीं लोगों की होती है। अब मैं क्या करता हूँ, उनको मारने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मुझे मैं भूल गया था कि मतलब ऐसा कुछ है भी, और इतने मेरे पे सामने से अटैक होता है तो मेरा और भी दिमाग घूम जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको AWM से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी दो बंदे रहते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस साइड जो है स्मोक कर देता हूँ। और इतने में जो है उनमें से एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है जो कि मेरा ही फ्रेंड होता है, लेकिन मुझे ये भूल जाता है 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग से निकल गया था ये चीज़। और मैं उसको मारने की पूरी ट्राई करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा 2 मिनट के लिए मैं जो है मुक्के से मारा उसको। यहाँ पे अच्छा हुआ मेरे हाथ में ग्रोजर सेलेक्ट नहीं हुई, वरना मैं उसको उतरते ही मार देता। लेकिन बाद में मैंने मारने की ट्राई करी, लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया कि हाँ ये दो ही हैं शायद, क्योंकि मुझे दूर से ये दो स्पोर्ट हो जाते हैं। खैर आखिरी बंदा बचा हुआ था, मतलब हम तीनों को छोड़ के आखिरी बंदा बचा हुआ था जिसको मैं AWM से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ज़ायरो की वजह से जो है हर बार मेरा एम चूक जाता है। मेरा सेंसिटिविटी थोड़ा ज़्यादा कर रखा है मैंने स्प्रे के लिए, तो बहुत कम यूज़ करता हूँ इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ओपन में चला जाता हूँ ताकि वो मेरे पीक करे, लेकिन पीक छोड़ो मैं मर जाता हूँ उसके हाथों। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखते हैं इनको ये चिकन मास्टर कर पाते हैं कि नहीं, तो मेरे जो फ्रेंड रहते हैं ये उसको मार देते हैं। अब ऑल पे तो उसको हैकर हैकर बोलते हैं सब, ऐसा तो होता ही है जब दो बंदे टीम अप करते तो सब उनको हैकर ही समझते हैं। खैर उसके बाद उसका एक चिकन मास्टर वाला क्रोसबो के रह रहा होता है, तो वो क्रोसबो से उसको मार देता है और फाइनली उसका चिकन मास्टर हो जाता है। खैर गालियाँ तो बहुत बड़ी लेकिन होता है यार। तो अब कभी अगर गेम प्ले सही लगा हो तो लाइक करना यार, एंड इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। जो सीन देख के सब्सक्राइब नहीं करेगा मतलब क्या ही बताओ यार, मैं जा रहा हूँ, छोड़ो आप। और एक और चीज़ यार, जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर सकते हो भाई को यार, इंस्टाग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।